friends, how are you all? Hope all are fine, fit and healthy. Fit हो ना? और enjoy भी कर रहे हो घर पे पढ़ने का? Video से पढ़ना अच्छा लग रहा है अभी आपको? Okay student, today in English we will study English grammar. English grammar lesson number 10. In, on, under, near और behind. लेसन का नाम इन ऑन अंडर नियर एंड बिहाइंड. ओके, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे हम प्रपोजिशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट, और ये आपकी बुक में ग्रामर बुक और पेज नंबर 61 पर लेसन नंबर 10 दिया गया है. ओके स्टूडेंट, आप पीछे पढ़ रही है और थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन कर रही है, लेकिन साथ में उसके कुछ एग्जांपल भी आपको बताएंगे. इन जैसे टीचर ब्लैकबोर्ड पर भी लिखा और बुक में भी बताया गया है, टीचर ब्लैकबोर्ड पर का पढ़ के आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड एक्सेट्रा और भी कई वर्ड्स हैं जिसे प्रपोजिशन कहते हैं. फार, बिहाइंड, ओके, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर अ एनिमल और थिंग. ओके, तो ये वर्ड का यूज करते हैं हम जब सेंटेंस में, तो ये वर्ड हमको क्या बताते हैं कि पर्सन कहाँ है, एनिमल कहाँ है और थिंग उसकी जगह कहाँ है, ये हमें पता चलता है जब हम ये वर्ड का यूज सेंटेंस में करते हैं तब. ओके, तो टीचर ने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ पिक्चर के साथ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है द वॉच is on the table. आप देख रहे हैं ये पिक्चर, यू कैन सी वॉच, इट मीन्स एक गुलदस्ता. आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये गुलदस्ता? ये टीचर ने टेबल बनाया है और उसके ऊपर एक गुलदस्ता रखा गया है, यानी गुलदस्ता कहाँ है? टेबल के ऊपर. ओके, जैसे कि अभी टीचर यहाँ बता रही है ये टेबल है और इसके ऊपर टीचर ने बुक बनाई है. ओके, तो हम क्या करेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, इसी तरह से यह ये फर्स्ट सेंटेंस द वास इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर फ्लावर वास है. सेकेंड पिक्चर है, ये एक पॉट में फिश दिखाई दे रही है आपको. द फिश इज इन द पॉट, यानी फिश कहाँ है? फिश एक एनिमल हुआ ना, सी एनिमल. तो टीचर ने अभी आपको वर्ड से बताया कि हमें एनिमल्स उनकी प्लेस बताते हैं, ये वर्ड का यूज करते हैं इन, ये बताएगा कि फिश कहाँ है, पॉट के अंदर, इन साइड है, इन है तो अंदर है, इसलिए टीचर ने यहाँ पे देखो द फिश इज इन द पॉट. ओके, एंड द थर्ड एग्जांपल इज द कार इज पार्क, कार को पार्क किया गया है कहाँ? ये ट्री के नीचे, इसलिए वर्ड कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है, अंडर द ट्री. द कार इज पार्क अंडर द ट्री, यानी ट्री के नीचे कार को पार्क किया गया है. ओके स्टूडेंट, अब टीचर यहाँ बुक रख रही है, यहाँ पर पेंसिल दिखाई दे रही है, चॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पर टीचर आपको समझा रही है कि वेयर इज द बुक, पीछे क्वेश्चन किया है वेयर इज द बुक, बुक कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन प्रपोजिशन का यूज किया गया है. वेयर इज द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है? तो आपको समझना है पेंसिल टेबल के ऊपर है, तो ऑन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, द पेंसिल इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट एग्जाम्पल चॉक्स, एक से ज्यादा है इसलिए चॉक्स बोल रही है टीचर. वेयर आर द चॉक्स, चॉक कहाँ है? द चॉक्स आर ऑन द टेबल. ओके स्टूडेंट, ये और वाले एग्जांपल आपको समझ में आ गए हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू द डिफरेंट एग्जांपल. सी सी, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है? यू कैन सी, यस करेक्ट, आपने अच्छा जजमेंट लिया, क्या है? बॉल है. ओके, तो यू कैन टेल वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ है? तो आप बोलोगे कि बॉल बॉक्स के अंदर है.
तो टीचर यही सेंटेंस देखो, द बॉल इज इन द बॉक्स, कहाँ आएगा? इन प्रपोजिशन का यूज कर रही है, टीचर बता रही है द बॉल इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल टीचर आपको बता रही है, ये रहा एग्जाम्पल है, देखो ये रहा जो ब्लैक बोर्ड पर ही अभी आपको टीचर ने, फिश कहाँ दिखाई दे रही है? पॉट के अंदर है। ओके, द फिश इज इन द पॉट, इन यानी अंदर साइड। ओके स्टूडेंट, ये भी आपको समझ में आ गया, यानी इन प्रपोजिशन का यूज कैसे किया ये हमें यहाँ एग्जाम्पल से पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल टीचर दे रही है, सी ये रैबिट दिखाई दे रहा है आपको, एक मिनट का टीचर टर्न कर रही है पेज। ओके, आपको अच्छी तरह से पिक्चर समझ में आ जाएगा, ये रैबिट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, टीचर पूछे वेयर इज द रैबिट, रैबिट कहाँ है? तो यू कैन सी द रैबिट, यानी ये ट्री के नीचे बैठा हुआ है, द रैबिट इज अंडर द ट्री, यानी ट्री के नीचे, तो अंडर प्रपोजिशन वर्ड का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, वेयर इज द रैबिट, यू कैन सी ये टेबल, ब्राउन कलर का टीचर ने टेबल बनाया है, तो टेबल के नीचे बैठा हुआ है ना, तो हम कहेंगे द रैबिट इज अंडर द टेबल। ओके स्टूडेंट, ये भी आपको समझ में आ गया है। ओके, ये समझ में आया, फिर आपको समझ में आया और भी समझ में आया। ओके, इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल ने टीचर ने आपको बताया। ओके, अब टीचर आपको फर्दर एग्जाम्पल बता रही है, सी। ओके, ये डॉगी दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये डॉगी कहाँ है? द डॉगी इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। ओके, ये बॉय दिखाई दिया आपको और उसके पीछे डॉग खड़ा है, यानी वर्ड कौन सा यूज किया है? द डॉग इज बिहाइंड द बॉय। ओके, नेक्स्ट इज ये जो डॉगी किसके सामने खड़ा है? ब्लैक बोर्ड के सामने, या टीवी समझो, टीवी के सामने है, तो हम क्या कहेंगे? द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन के सामने खड़ा है। दूसरे डिफरेंट प्रपोजिशन यहाँ पे बताए हैं टीचर ने एग्जाम्पल के साथ, आपको दिखाई दे रहा है टू कैट के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डॉग। ओके, तो हम क्या कहेंगे? बिटवीन, बीच में बैठा है, तो वर्ड आ रहा है बिटवीन, ये भी एक प्रपोजिशन का वर्ड है। ओके, द डॉग इज सिट बिटवीन द टू कैट्स। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ ये रहा एक टीचर आपको एग्जाम्पल दे रही है, द डॉग इज ऑन द टेबल, करेक्ट, एंड यू कैन सी यदर आई थिंक दिस इज द डस्टबिन, ऐसे ये बताया है बॉक्स की, ये डब्बे की तरह है, तो वो उसके इन साइड बैठा है, द डॉग इज इन द पॉट बोलेंगे, या फिर डस्टबिन भी कहेंगे, जो आपको अच्छा लगे, या मुझे डस्टबिन की तरह दिखाई दिया इसलिए टीचर ने डस्टबिन कहा है। ओके, ये डिफरेंट पिक्चर के साथ। ओके, नाउ एग्जांपल पिक्चर, ये डिफरेंट एग्जांपल आपको टीचर ने पिक्चर के साथ बताए हैं। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल आई विल शो यू, एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर, यहाँ पर एक ही पिक्चर में आपको देखो सारी बातें टीचर समझा रही है, वेर इज द पेन, द पेन इज ऑन द टेबल, वेर इज द बुक, बुक कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल, एप्पल इज ऑन द टेबल, यू कैन सी द बॉल इज अंडर द टेबल, यू कैन सी द कैट इज अंडर द टेबल, द अम्ब्रेला इज इन साइड द पॉट। ओके, एंड द पॉट इज नियर द टेबल, यानी ये जो पॉट है वो टेबल के पास में है, एंड द चेयर इज बिहाइंड द टेबल, यानी टेबल के पीछे चेयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पिक्चर में आपको टीचर ने डिफरेंट एग्जाम्पल बताए हैं, आपको ये समझना है। इसी तरह से बुक की एक्सरसाइज मैं अभी आपको समझा रही हूँ, उसमें भी आपको डिफरेंट एग्जाम्पल प्रपोजिशन वर्ड के यूज करने हैं। ओके, तो टीचर अभी आपको बुक की एक्सरसाइज समझा रही है।
ओके स्टूडेंट, टीचर बुक में से अभी आपको ये सब समझा रही है. हियर आर द डिफरेंट एग्जाम्पल. यू कैन सी द पिक्चर. द बॉक्स इज अंडर द बेड. बॉक्स कहाँ है? बेड के नीचे है. द वास इज ऑन द टेबल. ये वास कहाँ है? टेबल के ऊपर है. द बुक्स आर इन द बैग. बुक्स कहाँ है? बैग के अंदर है. देयर इज अ गर्ल नियर द डोर. ये गर्ल कहाँ है? डोर के पास में, इसलिए नियर वर्ड ये रहा. ओके. द बॉय इज बिहाइंड द चेयर. बॉय चेयर के पीछे है, मीन्स बिहाइंड प्रपोजिशन का वर्ड यूज किया. द फिश इज इन द पॉट. फिश कहाँ है? पॉट के इनसाइड है. नाउ टर्न द पेज. ओके, आपको ये पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कंप्लीट करनी है. लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने में आपको कौन से प्रपोजिशन का यूज करना है? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड एंड नियर. फर्स्ट वन, द चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के नीचे है, इट मीन्स अंडर वर्ड का यूज किया है. सेकेंड, दे आर सिटिंग. कहाँ सिटिंग है? बैठे हुए ऑन ए मैट. मैट के ऊपर बैठे हैं. थर्ड वन, द स्क्विरल इज सिटिंग डैश द बास्केट. स्क्विरल कहाँ है? बास्केट के पास, बास्केट के ऊपर बैठी हुई है, इसीलिए ऑन प्रपोजिशन का यूज किया है. द स्क्विरल इज सिटिंग ऑन द बास्केट. फोर्थ वन, देयर आर फ्रूट डैश द टेबल. फ्रूट्स कहाँ है? प्लेट के अंदर है, इसलिए टीचर ने इन प्रपोजिशन का यूज किया है. द फ्रूट्स आर इन द प्लेट. फिफ्थ वन, द डॉग इज डैश द चिल्ड्रन. डॉग कहाँ है? चिल्ड्रन के पास में है, तो नियर वर्ड. द डॉग इज नियर द चिल्ड्रन. सिक्स वन, द बर्ड इज डैश द सन. बर्ड कहाँ है? सन के पास में है, इट मीन्स नियर वर्ड का यूज किया है. द बर्ड इज नियर द सन. नाउ बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विथ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स के वर्ड का यूज करना है और हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. टीचर बता रही है, फर्स्ट वन, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल. सेकेंड, बॉबी हिड अंडर द टेबल. थर्ड वन, द जार वॉज कैप्ट डैश द किचन इन द किचन. फोर्थ, आई कैन सी समवन हिडिंग डैश द डोर बिहाइंड द डोर. फिफ्थ, पुट द ब्रेड इन द बॉक्स. सिक्स, जगत कैन स्विम इन द लेक. सी एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट आंसर. ए बी सी आपको दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से राइट आंसर पर आपको करेक्ट करना है. स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट वन, वेयर आर माई सनग्लासेस. मेरे सनग्लासेस कहाँ हैं? ए, दे आर ऑन योर बैग. बी, देयर इन योर बैग. एंड सी, दे आर इन योर बैग. वो आपके बैग में है. So C is the right answer. Second, the diary is dash the shelves. A, under diary कहाँ है? Shelf में. तो under मतलब नीचे, B on मतलब ऊपर, and C in. The answer is the diary is in the shelf. Third one, the mobile phone is dash the cup. यानी mobile phone cup के कहाँ है? On यानी cup के ऊपर, बी इन कप के अंदर, एंड सी नियर यानी कप के पास. द आंसर इज नियर. द मोबाइल फोन इज नियर द कप. सो स्टूडेंट, हियर द एक्सरसाइज आर कंप्लीटेड एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.